हरिद्वार महाकुंभ कोरोना जांच घोटाले में पहली गिरफ्तारी, एसआईटी कर रही पूरे मामले की जांच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, वैवाहिक कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्र सरकार के मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, राकेश टिकैत ने कहा अन्नदाताओं के लिए ऐसा बयान ठीक नहीं। दैनिक भास्कर पर आईटी के छापे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एजेंसी अपना काम करती है, सरकार का नहीं कोई हस्तक्षेप। दैनिक भास्कर पर छापे को लेकर केंद्र के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, कहा ऐसी सरकार का पतन निश्चित। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। सीएम खट्टर कैंपटी रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में हरियाणा के विधायक के परिवार समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहले हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड उतरना था, लेकिन मसूरी में मौसम खराब होने की वजह से वह सड़क मार्ग से पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मसूरी पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जीवनदीप आश्रम में श्री शतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने आज एक तरफ भाजपा है जिसमें कई मुख्यमंत्री बदले गए, पर प्रदेश की जनता को यह संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आज बिजली आम आदमी की जरूरत है और उसे मुफ्त करना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बागी हुए 11 विधायकों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की तरफ से कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्याओं की जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से नाराज होकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है। शहर के मुख्य बाजार व चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। लगातार बारिश होने से यह कूड़ा सड़कों और नालियों में बह रहा है। कूड़े के ढेर से दुर्गंध आने से आम लोगों को घरों में रहने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाई गई बकरीद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। ईद उल अजहा के मौके पर आस्था पथ के द्वारा बनाई जा रही सरकारी इमारत में नमाज पढ़े जाने को लेकर हिंदू समुदाय ने विरोध दर्ज कराया। बद्रीनाथ व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने थाने पहुंचकर नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही बद्रीनाथ से वापस भेजने की भी मांग उठाई गई है। व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी का कहना है कि आजकल श्रावण मास का महीना चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने से भी रोका गया है। वहीं दूसरी तरफ बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकी को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तप्तकुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके लोग यहाँ पे, मोमडन तबके लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं। और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम
बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है, मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? और पहला बात मेरी, दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि जब हम लोग पाउंडेशन से निकलते हैं तो हमारा आधार कार्ड चेक होता है सर्वप्रथम, तो तब इसलिए हमको वहीं से आगे भेजा जाता है। और जब ये लोग आ रहे हैं, इनका किस बेस पे इनको आगे भेजा जा रहा है? हमारा पॉइंट यही है कि जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे, बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है तो कोई भी लोग बाहर से मुसलमान है, कोई भी है, वो यहाँ कैसे आ सकता है बिना स्थानीय लोगों के अलावा? यहाँ कोई और कैसे आ सकता है? चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड के कंजवाल गांव के सैनिक सचिव कंजवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उनके गांव और समूचे पिंडर घाटी में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि बुधवार सुबह मथुरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में शहीद हुए सचिन कंजवाल के गांव में मातम का माहौल है। सचिन कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर घर लौटे थे। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट में थी। उनकी यूनिट इन दिनों गलवान घाटी में तैनात थी। सचिन को 25 जुलाई को ड्यूटी पर वापस जाना था। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली था, साथियों के द्वारा अवगत कराया गया कि सचिन कंडवाल जो पिछपन गढ़वाल राइफल में कार्यरत था वो शहीद हुआ है। सर प्रथम तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनके संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा संपूर्ण परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख की घड़ी को सहने के लिए क्षमता। पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते आज राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर पावो बुआखाल के बीच मंदाखाल के पास एक बड़ा बोल्डर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर बोल्डर को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया गया। सहायक अभियंता मनोज रावत ने बताया कि मार्ग को खोलने के लिए पत्थर के कटान का कार्य शुरू किया गया है। मलबा अधिक गिरने से दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी मार्ग खोलने में समय लगेगा। किलोमीटर 52 में मंदाखाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे कटान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। कटान को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार हरिद्वार महाकुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष बताया जा रहा है, जो हरियाणा का रहने वाला है। गौरतलब है कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए प्राइवेट कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका दिया गया था। मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी ने खुद जांच न करके हरियाणा के नालवा लैब और दिल्ली के लाल चंदानी लैब को हायर किया था। इन दोनों लैब्स ने लगभग 1,00,000 से अधिक कोरोना की फर्जी जांच दिखाकर फर्जी डेटा बनाकर सरकार के पास जमा कराया था, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। रोशनाबाद इलाके के कनखल थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदाई ने बताया कि 19 जुलाई को अपने ही पति की हत्या करने के आरोप में शिव कुमार उर्फ पेनल्टी के विरुद्ध नामजद तहरीर दर्ज कराई गई थी। हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए कई टीमों को गठित किया गया था, जिसने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी फिलहाल बरामद कर लिया है। जो है थाना कनकल में जगदीपुर चौकी क्षेत्र में एक रविंदर करके व्यक्ति का जो है हत्या कर दी गई है। उनका वाइफ श्रीमती राजभाला का तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से मुकदमा कायम किया और टीम गठित करके इसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें जो है कल हमें सफलता मिली, इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें पेनाल्टी मामा उर्फ शिव कुमार जिसने गोली मारकर उनका हत्या की है, ये जो है मृतक का रिश्तेदार में भी आता है, और एक विनोद शर्मा जिसने जो है इनको लेके जाकर अपने गाड़ी में जो है लेके जाके इनका जो हत्या को मदद करी, और तीसरा है धर्मेंद्र जिसका घर से जो है ये हत्या के बाद जो है ये पेनाल्टी ने जाके जो है अपने हथियार को छुपा कर रखा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है हमने।
और इसमें हत्या का प्रयुक्त हसला जो 315 वर्ग का तमंचा और उसका कारतूस और घटना का दौरान जो पहना गया टी शर्ट इसको हमने रिकवर कर दिया है। काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एक एकल पीठ ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी और जेल के आरोपित बंदी रक्षकों के तबादले के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी उपकारागार में बंद कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। नैनीताल में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से राजभवन को जाने वाला सड़क मार्ग पालिका बाजार के पास से टूट कर गिर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मार्ग के धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। जिलाधिकारी ने सड़क को जल्द ठीक कराने के आदेश फिलहाल जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 30,000 रुपए कार्य के लिए स्वीकृत भी किए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। बारिश के मौसम में लगातार हो रही हिमपात की वजह से कह सकते हैं कि पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग के समीप उमा माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बार बार बंद हो रहा है। यहां पर पहाड़ी दरक जाने के चलते यह डेंजर जोन बन चुका है। हल्की सी भी बारिश आने पर पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। वहीं आज जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा ने सफाई कर्मचारियों के धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्वच्छता का जिनके ऊपर जिम्मा है उन्हीं को सबसे कम वेतन दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों की पीड़ा का हम पूरा सम्मान करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो कर्मचारी जमीन पर मेहनत कर रहे हैं उनको उनका पूरा मानदेय दिया जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों के किनारे बसे गांवों में पानी भरने से अब लोगों के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। नदियां अपने उफान पर है, जो अब जानलेवा साबित हो रही है। जगह जगह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनसे आवाजाही भी बंद हो गई है। अरविंद नगर क्षेत्र में 80 घर इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। वहीं क्षेत्र में लगभग 180 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ राहत के लिए जलभराव वाले स्थानों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों को मुहैया कराया है और राहत कैंप पूरी तरह से इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमें उपस्थित है अभी 12 बजे के बाद, जब पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूं तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फ़ोन किया था और उन्होंने तत्काल तहसीलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सब लोग आए थे। सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अगर आगे ऐसे ही बारिश होता रहा पहाड़ में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही रात के लिए खराब हो जाए। अभी हाल ही में अभी कुछ देर पहले ही 1 घंटा पहले एक नाव की कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं की आंदोलन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंजाबी संगीतकार जस बाजवा धर्मनगरी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। इस दौरान किसानों से जस बाजवा को सरोपा भेंट कर स्वागत भी किया गया। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को और आर्थिक मजबूती देने के लिए पंजाबी संगीतकार भी किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। वहां पर पहुंचे हैं हम, युवाओं को बस मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गुरु के साथ भी जुड़े और आंदोलन के साथ भी जुड़े।
वैसे तो सारे जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं आंदोलन के साथ, पर फिर भी मैं जो युवा अब तक मोर्चे में नहीं गए वो मोर्चे में जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी हमारे भविष्य का ये सवाल है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके ये भविष्य का सवाल है। खेतों से हम बहुत इमोशनली भी जुड़े हुए हैं और फाइनेंशली तो चलो खेत खाने को तो हमें देते हैं, बट हमारा खेतों से एक लंबा इतिहास जुड़ा है। सो ये हक की लड़ाई है, इसमें सबको आना चाहिए चाहे वो। उत्तराखंड सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के पपड़ियान गांव के रहने वाले धर्मपाल सरकारी आवास के लिए तरस रहे हैं। आदर्श अचल योजना या फिर इंदिरा आवास योजना के तहत अब तक उनको आवास नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के दफ्तरों के कई चक्कर लगाए हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित धर्मपाल जिस मकान में इस वक्त रह रहे हैं उसकी छत पहले ही टूट चुकी है लेकिन सरकार के प्रतिनिधि कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि मौके पर पटवारी को भेजकर क्षतिग्रस्त मकान का अवलोकन कराया जाएगा और हर संभव मदद की कोशिश भी की जाएगी। मैंने अभी लेखपाल को निर्देशित कर दिया है, वो वहां पर मौके पर जाके एक विस्तृत एक रिपोर्ट हमें दे देगा और जैसे ही वो रिपोर्ट आती है और उसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनकी कोई मदद की जाए। हैं उत्तराखंड की जो हकीकत है उस हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड को बने हुए लगभग 2100 साल होने जा रहा है लेकिन यहाँ के नेताओं की तकदीर बदली, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तकदीर बदली लेकिन उत्तराखंड के गरीब बासिंदों की तकदीर अभी तक इन 21 सालों में नहीं बदली है। यहाँ के बासिंदों की जो इच्छाएँ थी, जो आकांक्षाएँ थी, उस हिसाब से उनका विकास नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ विकासनगर तहसील के पपड़ियान गांव में और पपड़ियान गांव के गरीब बासिंदे हैं जो बीमार है, 3 बच्चे हैं उनके और उस देखते हैं कि वो कैसे जो हैं यहाँ पे इस मकान में रहते हैं। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि दिखाइए उस गरीब की झोपड़ी को जो इस बरसात में ढह गई है और अभी तक सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस गरीब तक नहीं पहुँची हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि इन गरीबों से उनके अंगूठे का वोट ले जाते हैं लेकिन उनकी तकदीर नहीं बदलते हैं। आइए ले चलते हैं उस गरीब उस असहाय से कि वो क्या कहते हैं, क्या ये मकान किसका है, क्या नाम है आपका? धर्मपाल है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, काम मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, और अभी तक सरकार क्या कैसे कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो जी कहीं नहीं, अपने लोगों का घर में रहते हैं। अपना मकान टूट गया जी इस बरसात में, अब लोगों के घर में तो रहना है जी, कहाँ जाए। तो कितना बड़ा परिवार है आपका? परिवार जी बच्चे हैं 2 और अपना आप है, घर वाली है बस। तो कैसे भरण पोषण करते हैं आप बच्चों का? भाई ऐसे करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपने और अपने। तो अभी तक आपका मकान का कुछ मकान जैसे मकान मिलते हैं लोग, इंदिरा आवास है, कई ऐसे हैं, कुल मिला नहीं आप यहाँ तक? कुछ नहीं मिला जी आज तक, मिला नहीं कभी भी। और जब मकान नहीं मिला तो अब लोगों घर में रह रहे जी। और प्रधान द्वारा भी हमने कहा मैंने कर दो लेकिन वो बता रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा। कम से कम भी हो गए कई महीने गुजर गए, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, आज महीनों के हिसाब से गुजर गया। जनप्रतिनिधि होंगे, वोट लेते होंगे, क्या कहते हैं वो? बस वोट लेने आ जाते हैं जी, बोलते हैं बस हम तुम्हारा मकान तुरंत करवा देंगे, वोट पड़ जाता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं, कोई आता ही नहीं घर में देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। और आपका खर्चा कैसे चलता है? बस खर्चा चला ही रहे जी, बस मजदूरी करते हैं अपने। क्या चाहते हैं आप सरकार से, अपने जो है जनप्रतिनिधि ब्लॉक से, या क्या चाहते हैं आप? चाहना क्या है, ये है कि थोड़ा मकान दे देते सरकार तो कुछ होता हमें भी। कब टूटा ये मकान? ये अभी बरसात में टूट गया जी। हाँ। बैठ गया पूरा। सचमुच मैं आपको कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों की किस्मत बदली लेकिन यहाँ के गरीबों की किस्मत नहीं बदली। और अगर पपड़ियान इस गरीब की बात बताऊँ पपड़ियान गाँव के, तो उसकी किस्मत भी बदलनी चाहिए। अब देखना है कि हमारे खबर का असर अधिकारियों पर, नेताओं पर कितना असर डालती है, आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।